आपकी रेगुलर नहीं रही हैं बट ट्राई टू के डू दिस क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस कौन से टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स है ये इसका डेटा यहाँ पे आया है तो एजुकेशन के परस्पेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है ना एक तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम्स में कि हाँ क्या है क्या नहीं है कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज हो रहे हैं इसके अलावा मेन्स में अगर कोई भी क्वेश्चन है एजुकेशन रिफॉर्म की बात कर रहा है है ना क्या सजेशन दे सकते हो कहीं केस स्टडी में कोई एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें तो उसके लिए काफ़ी अच्छे इनपुट हैं क्योंकि इंडेक्स बनाया बहुत रिसर्च करके इन्होंने बनाया उसमें जो आउटकम्स हैं उसको हम लेंगे तो वो एक आपके लिए कॉन्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सिविल वॉर एंड हुआ है इथियोपिया में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बट स्टिल मैप बेस्ड लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्यों सिविल वार हो रहा था क्यों ये अब यहाँ पे सही है चीज़ें पॉपी कल्टीवेशन अफगानिस्तान में बात हो रही है और आपको पता ही है अफगानिस्तान में तालिबान रूल कर रहा है तो लिटरली अगर देखा जाए तो कोई ऐसा मनी वहाँ पे नहीं है लोगों के पास जॉब्स नहीं है सो दे आर बेसिकली गोइंग फॉर दिस पॉपी कल्टिवेशन तो अफीम वगैरह और इसकी डिमांड रहती है वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखोगे हीरोइन है जो अफीम से ही आपका बन रहा है तो इसमें लिंक करेंगे और एक दो साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड टर्म्स हैं उनको भी देखेंगे स्माइलिंग सन ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी है ना इसको आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा इसका जिक्र हुआ था सन की स्माइलिंग इमेज नासा के द्वारा ट्वीट की गई थी तो ये क्या है ये बेसिकली जो कोरोनल होल्स हैं इनके बारे में समझेंगे कॉप ट्वेंटी स्टार्ट हो रहा है कॉप ट्वेंटी स्टार्ट हो रहा है संडे से ठीक है छः नवंबर से रहेगा और अगले दो हफ्ते तक ये चलेगा लगभग डेढ़ से दो हफ्ता आई थिंक अट्ठारह नवंबर तक है तो ये जो कॉप ट्वेंटी सेवन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ट्वेंटी सेवन इस पर uh, आप देखेंगे तो uh, लास्ट ईयर भी हमने इसको कवर किया था कॉप ट्वेंटी सिक्स जब हुआ था है ना और यही पीरियड था नवंबर uh, के आसपास का ही रहा होगा तो हमने कॉप ट्वेंटी सिक्स को जो ग्लास्को में था समिट उसको कवर किया था डिटेल में कवर किया था पूरी समिट कवर हुई थी उसके ऊपर चार पांच आर्टिकल कवर हुए थे और आप अपने अगर पेपर देखे होंगे आई ए मींस के तो वहाँ पे आपने देखा होगा दो क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से पूछे गए थे तो इसी तरह से इंपॉर्टेंट रहेगा मोनाल हुआ इरप्शन है एक मैप बेस्ड लोकेशन के हिसाब से देख लीजिए दिल्ली में पॉल्यूशन का इश्यू चल रहा है अब सर्दियों में ये पूरा चलेगा तो इस पर कोई कमेंट्री तो नहीं करेंगे बट स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट जैसे एक आर्टिकल है अब आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें से एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो लेंगे और फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है डीजल बेस्ड जो व्हीकल्स हैं उनको टारगेट कर रही है ना तो डीजल को क्यों टारगेट कर रहे हैं पेट्रोल जो इंजन है क्या वो बेहतर है नहीं है तो एमिशन नॉर्म ये थोड़ा प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा देख लेंगे तो ये आज के टॉपिक्स रहेंगे आ, अगर आर्टिकल्स हम देखें तो पॉवर्टी पे एक रेलिवेंट आर्टिकल था लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल था है ना और फिर उसमें जो कंपेरिजन किया था कि इंडिया में हाँ पॉवर्टी रेट कम तो हो रही है लेकिन वो कंपेरिजन क्या था यू पी ए वर्सेज जो प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट एन डी ए की सरकार है तो वो फिर बहुत टेक्निकल भी हो रहा था इतना रेलिवेंट नहीं लगा तो उसको हमने नहीं लिया है ठीक है इसको आप स्किप कर सकते हैं फॉर नाउ सो स्टार्ट हम करते हैं हार्दिक कह रहे हैं सर आप रेगुलर uh, नहीं होते हैं तो हम इ रेगुलर हो जाते हैं बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड ठीक है रहता है आपकी क्लासेस का सो so, कोशिश uh, हम करेंगे अभी आपकी नहीं रहे इंटरप्शन नहीं रहे है ना स्टार्ट करते हैं दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी माय नेम इज राहुल भारद्वाज और ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना जिसपे आपको पीडीएफ मिल जाएगा सेशन का okay, और इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल दीज थिंग्स अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के लिए यहाँ पे आप जुड़ सकते हो फाइन ये टेलीग्राम का लिंक भी आपको uh, नाम दिया हुआ है इसको सर्च कर लेना नाम पेपर टू में आपका टॉपिक है एजुकेशन और वहाँ पे आपका लिंक होगा गुजरात राजस्थान आंध्र प्रदेश एंटर द क्लब ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स तो ये जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उसके क्लब में इन्होंने एंट्री करी है और इंडिया का अगर आप मैप देखोगे तो इसके अंदर जो डार्क ब्लू कलर दिख रहा है तो इसमें रटना कुछ नहीं है अभी आपको जो चीज़ें याद करने की है आई विल टेल है ना क्योंकि बच्चे क्या है हर छोटी छोटी चीज़ को इस तरह से लिख लेते हैं कि अच्छा मध्य प्रदेश है ये ग्रीन जोन में है इत, इतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है अपनी प्रिपरेशन को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी आई विल लेट यू नो कि क्या चीज़ें आपको याद रखनी है देखो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग जो इंडेक्स आपका है अब इसके अंदर क्या क्या, -क्या? इंडिकेटर्स यूज हो रहे हैं यू हैव दिस वन टू थ्री फोर फाइव ये पांच क्राइटेरियाज हैं इनको यूज कर रहे हैं और हर उसके अंदर जैसे लर्निंग आउटकम की बात हो रही है उसमें भी काफी सारे इंडिकेटर्स तो एक दो एक दो इंडिकेटर हम उठाएंगे ताकि आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा अब ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है इसने क्या किया है स्टेट्स को यहाँ पे रैंक किया है कि अच्छा आपकी परफॉर्मेंस क्या है नहीं है तो आप देखोगे डार्क ब्लू वाले सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वैसे लेवल वन है उसमें तो कोई भी स्टेट नहीं है लेवल टू वाले हैं जो डार्क ब्लू हैं जैसे आप देखोगे यू हैव महाराष्ट्र है राजस्थान इज अगेन वेरी गुड परफॉर्मर ही तो ये एक एंट्री है राजस्थान जनरली एजुकेशन के मामले में चैलेंजेस रहते हैं तो ये अच्छी बात है इनकी नई एंट्री यहाँ पे रही है फिर आप देखोगे लाइट ब्लू वाले हैं है ना आ ये उससे नीचे आएंगे फिर डार्क ग्रीन ग्रीन इस तरीके से यार तो एजुकेशन के परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो कहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वहाँ पे थोड़ा सा ये इशू दिखता है एंड यू हैव इन सम पार्ट ऑफ द मिडिल एंड द ईस्टर्न इंडिया ठीक है यू हैव दिस छोटा नागपुर प्लेचू एंड ऑल ये है बिहार झारखंड ये वाला रीजन है तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं उत्तराखंड इज देयर अब ये जो इन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है स्टेट्स का किस बेसिस पे कर रहे हैं लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी एक्सेस है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इक्विटी गवर्नेंस प्रोसेस तो इसके अंदर होगा क्या जैसे गवर्नेंस प्रोसेस है इसमें स्कूल इस, का गवर्नेंस वगैरह कैसा है ये सब चीज़ें बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है इसको देख लेते हैं मैंने स्लाइड्स आपकी एड किए हैं है ना ये कुछ स्लाइड्स हमने लिए हैं जो बिल्कुल इसी की वेबसाइट से हमने उठाई हैं सो दैट इट विल बी हेल्पफुल इन योर आंसर राइटिंग तो देखो फर्स्ट है लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी इसमें क्या कर रहा है लर्निंग आउटकम क्वालिटी का कैसे पता चलेगा जैसे मैथ्स है है ना वहाँ पे क्या स्कोर आ रहा है आपका लैंग्वेज में क्या स्कोर है साइंस में क्या स्कोर है सोशल साइंस तो आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं है ना मैथ्स है लैंग्वेज है सोशल साइंस साइंस इनमें आपका क्या एवरेज स्कोर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है क्लास वाइज लर्निंग आउटकम ये ले रहे हैं सेकेंड है आपका एक्सेस तो एक्सेस का पता कैसे लगा रहे हैं नेट एनरोलमेंट रेशियो क्या है रिटेंशन रेट क्या है कितने बच्चे रिटेन कर पा रहे हैं ड्रॉप आउट रेट कम होनी चाहिए यू हैव परसेंटेज ऑफ आइडेंटिफाइड आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन है उनको भी आइडेंटिफाई करके एजुकेशन इम्पार्ट की जा सके फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में क्या है केवल मतलब जो टॉयलेट है या बेसिक जो रूम फैसिलिटीज हैं उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर लैब और ये भी इंक्लूड कर रहे हैं है ना लैब फैसिलिटी हैं यू हैव दैट मिड डे मील जो सर्व किया जा रहा है परसेंटेज ऑफ डे कितने दिनों तक सर्व किया जा रहा है स्कूल कवर्ड बाई वोकेशनल एजुकेशन सब्जेक्ट अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज में इन्होंने इन चीज़ों को एड किया है तो सब को नहीं रटना है एक दो एक दो पॉइंट ध्यान रखिए इससे होगा क्या कि ओवरऑल आपका एक व्यू पॉइंट बन जाएगा कि हाँ एजुकेशन के मामले में अगर हमें कहीं इंप्रूवमेंट चाहिए तो इन पाँच छः इंडिकेटर पर हम इंप्रूव कर सकते हैं स्कूल एजुकेशन फिर इक्विटी की बात हो रही है यहाँ पर क्या करेंगे जो जनरल स्टूडेंट हैं उनके परफॉर्मेंस को कंपेरिजन किया जाएगा है ना विथ अदर यू हैव दैट इन द कॉन्टेक्स ऑफ सोशल आउटलुक जैसे आप देख रहे हो कि एस सी है एस टी है उनसे कंपेरिजन किया है रूरल को अर्बन से कंपेरिजन कर देंगे है ना या फिर आप देख रहे हो बॉयज़ है उनको इस तरह से कंपेरिजन कर रहे हैं तो एक जनरल जो कंपेरिजन है परफॉर्मेंस का तो उससे ये इक्विटी का इंडिकेटर भी हाईलाइट हो रहा है ये इंडीड एक बहुत अच्छा वो आप कह सकते हो कि इन्होंने ऐड किया है गवर्नेंस प्रोसेस में बेसिक चीज़ें हैं टीचर ट्रेनिंग क्या है है ना प्रिंसिपल है स्कूल लेवल पे क्या हो रहा है स्टूडेंट मैनेजमेंट कैसा है सब्जेक्ट मैनेजमेंट स्टाफ मैनेजमेंट तो बेसिक गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चीज़ें जिनको इन्होंने ऐड किया है तो सारे मिला के आपने क्या किया ये आ, इंडेक्स लेके आए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये इंडेक्स ला रहा है अब ये नहीं पूछेगा कौन सा स्टेट फर्स्ट सेकंड थर्ड है कौन रिलीज कर रहा है ये ध्यान रख लो और बाकी बेसिक आइडिया कि हाँ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है नेक्स्ट हमारे पास है पॉवर्टी वाला ये मैंने बताया था ओके क्योंकि देखने पर ऐसा लग रहा था इंपॉर्टेंट है बट ये बहुत टेक्निकल और एक उस वे में था तो हमने इसको स्किप किया है नेक्स्ट हम आएंगे इंटरनेशनल रिलेशन पे इथियोपिया एंड टिगरे एग्री टू एंड द सिविल वॉर आफ्टर टू ईर्स तो यहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन बन रही थी इथियोपिया जो है अफ्रीकन कंट्री है इसमें डायरेक्ट uh, क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि हाँ यहाँ पे सिविल वॉर हुआ उसको डिटेल एनालिसिस समथिंग उसके चांसेस तो नहीं के बराबर है ठीक है बट क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं और इथियोपिया कहाँ पर है तो आप देखोगे इथियोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ही पार्ट है दिस पार्ट इज इथियोपिया ही और इसके नॉर्दन पार्ट में ये रीज़न है टिगरे क्लियर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से कंट्री आ रहे हैं ये ध्यान रखना कौन कौन से आ रहे हैं एरेट्रिया है है ना यू हैव इज 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 देयर देयर इथियोपिया सोमालिया देयर तो ये चार मेजर कंट्रीज हैं ये क्या करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका को बना रहे तो कई बार बहुत कॉमन होते हैं मैप बेस क्वेश्चन कौन सा कंट्री इसमें है नहीं है तो ईजी है बट अगर आपने नहीं पढ़ाया कन्फ्यूज होकर गलत कर दें ये मत करना क्योंकि ये दो में भी न्यूज़ में था और बीस के लास्ट में जाते जाते भी

वेल uh, ऑफ well है काफ़ी आप समझ सकते हो कि रिच है इन टर्म्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स तो uh, यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है वो अलग है और जो uh, इथियोपिया में या सेंट्रल के अंदर जो रील uh, लीड कर रहा है वो पॉलिटिकल पार्टी अलग है दोनों के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और यहाँ पे तिगरे की तरफ से ये कहा गया कि हमारे को सप्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है डिसेंट जो है है ना विपक्ष जो है उसकी आवाज़ को दबाने का ये प्रयास कर रहे हैं और इस तरीके से पूरा इन्होंने किया हुआ है अब है क्या यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं है ना या प्रोविंसेस हैं उनको क्या है ऑटोनॉमी ज़्यादा इंडिया में तो नहीं है ऐसा नहीं है ना इंडिया में कि कोई भी जो स्टेट होगा वो अपनी खुद की सेना रख सकता है ठीक है पुलिस फोर्स अपनी है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करने के लिए लेकिन कोई अपनी सेना मिलिट्री ऐसा नहीं रख सकता लेकिन इथियोपिया केस में ऑटोनॉमी है तो ये लोग अपने रख सकते हैं इस तरह से प्रोविसेज की जो है काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है इसकी वजह से ये अपनी जो है सिक्योरिटी खुद की फोर्सेस रखते हैं ओके okay, और इस तरह से काफी वे में इंडिपेंडेंटली रूल करते हैं इसलिए अब क्या हो रहा है इन दोनों की सेनाओं के बीच में एक क्लैश की सिचुएशन बनी हुई थी इसकी वजह से आप देखोगे मिलियंस ऑफ द पीपल जो है वो डिस्प्लेस हो गए काफी लोग मारे गए ये स्थिति बनी हुई थी दो साल से और व्हाट एल्स यू शुड नो ठीक है ति रीजन वेल्दियर है इसकी अपनी खुद की वेल ट्रेन आर्मी है इसीलिए यहाँ पे कंफ्लिक्ट सिविल वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई थी और रीजन क्या था पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉर सुप्रीमेसी एंड कंट्रोल इन द कंट्री तो ये चाह रहे थे कि हाँ हम इस रीजन को भी दबा के अपने कंट्रोल में रहे ऐसा इनका एलिगेशन था क्लियर तो ये टिगरे रीज़न कहाँ पे कौन से कंट्री में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया हमने ले लिया अब इसके डिप्रकॉशन क्या होते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रपोर्शन हो जाती चीज़ें तो इसका इम्पैक्ट क्या होता देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे बॉती इज देयर तो जो बेस हैं नेवल बेस हैं यू है या चाइना का है यहाँ पर काफ़ी क्लोज है तो उसकी वजह से पूरे रीजन रीजन पे एक जो है क्राइसिस लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी है ना मिलिट्री बेस की वजह से एक डिस्टरबेंस यहां पे क्रिएट हो सकता तो अभी अच्छी न्यूज है कि हाँ इनके बीच में एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हुआ है और ये सिविल वॉर एंड आपकी हो रही है नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है पॉपी लव इन अफगानिस्तान तो ये लंबा चौड़ा आर्टिकल इन्होंने लिखा है पर इस पूरे आर्टिकल के अंदर आपको कोई इसकी डिटेलिंग नहीं करनी है क्या ध्यान रखना है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अफगानिस्तान में जो है पॉपी कल्टिवेशन बढ़ गया है पॉपी जो प्लांट होता है उसी से आपकी ये जो होती है ओपियम अफ़ीम जिसको कहते हैं वो निकाली जाती है अफीम के ही फिर बाई प्रोडक्ट यू हैव हीरोइन एंड ऑल तो ये जितनी भी ड्रग्स हैं है ना उसमें भी यूज़ होता है हालांकि ओपियम जो है एक एनालैसिक भी है दर्द जो होता है मेडिकल उसमें भी यूज़ होता है बहुत जो एक्यूट पेन होता है बहुत तेज दर्द होता है तब भी इसका यूज़ करते हैं ओपियम का तो यहाँ पे यूएन की एक रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि लैंड अंडर पॉपी कल्टीवेशन 2021 में इंक्रीज़ हो गया 32 परसेंट से है ना 32 परसेंट से इंक्रीज़ हो गया अगेन दीज काइंड ऑफ फैक्ट्स यू डोंट नीड टू मग अप है ना इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है व्हाई आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के मैंने नोट्स देखे बच्चों ने नोट्स अपने सेंड किए थे तो वहाँ पे इस तरह के फैक्ट्स उन्होंने लिखे हैं और शुरुआती दौर में आपको आइडिया नहीं लगता है क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है जो कि नेसेसरी uh, नहीं है तो उससे क्या होता है आप अपनी प्रिपरेशन को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना लेते हो जो चीजें याद नहीं करनी है उनके ऊपर भी फोकस कर रहे हो तो जहां पे भी ऐसा होगा कि हाँ ये चीज याद रखनी है आई विल एम्फोसाइज कि हाँ ये फैक्ट या ऐसा याद रखना है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि हाँ इसका पॉपी कल्टिवेशन इंक्रीज़ हुआ है क्यों इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि आप देखोगे वहाँ पे लोगों के पास जॉब नहीं है तालिबान ने वो टेक ओवर कर ही लिया है गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो क्या करें तो लोगों के पास में एक ही है जिसे आप कह सकते हो कि हाँ क्या जहाँ से कैश मिल रहा है लोगों को पैसा मिल रहा है तो वो पापी कल्टिवेशन की तरफ जा रहे हैं और पोपी की और इन सब चीज़ों की डिमांड ड्रग्स वगैरह इनकी डिमांड भी रहती है इनका अपना एक अलग ट्रेड भी होता ही है फिर इसमें आप देखोगे पॉपी कल्टीवेशन जो है ना ये लेबर इंटेंसिव भी है तो रूरल एरिया में जो लेबर और ये सब है वो अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं फिर जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट है उसका ट्रिकल डाउन भी होगा है ना तो ये अपने आप में एक पूरी इकोनॉमी है और इसी वजह से आप देखोगे जितना भी ओपीएम डिमांड है है ना ग्लोबल लेवल पर जितनी भी ओपीएम की डिमांड है एट्टी डिमांड अकेला अफगानिस्तान यहाँ पर मीट कर रहा है अफगानिस्तान यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है एट्टी डिमांड और इसमें क्या ध्यान रखना है देखो और हम आएंगे वो साइन दूसरे और पॉइंट भी हैं लेकिन उससे पहले जैसे इंडिया के लिए क्या कंसर्न है इंडिया के लिए कंसर्न यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि जो ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑल है है ना उसकी वजह से काफी ज़्यादा इश्यूज होते हैं इवन रशिया है या और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके लिए भी यहाँ पे इशूज हैं और ड्रग कंसर्न के अलावा यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है रेडिकलिज्म है टेररिज्म ये थ्री तो पहले से चली रही है, है ना तो ये ड्रग वाला जो एंगल है ये और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है स्पेशली इन द कॉन्टेक्स कि यहाँ पे प्रोडक्शन इनकी तरफ से बढ़ाया जा रहा है हालांकि इंडिया ने और जो दूसरे कंट्रीज हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं इंडिया भी हो रहा है तो उन्होंने इस चीज़ को शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी उठाया था इस पर डिस्कशन भी हुआ था इन सभी मुद्दों पर डिस्कशन हुआ था क्लियर तो वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इसको उठा सकते हैं अपने इंटरेस्ट को इंश्योर कर सकते हैं बाकी तो आपको अपनी सिक्योरिटी और उस पर ध्यान देना होगा क्लियर अब इंडिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज क्यों है क्योंकि इंडिया जो है एक तरह से सैंडविचड है वाई इन दिस गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल अब ये भी पूछ सकता है गोल्डन क्रिसेंट ट्राइंगल क्या है कौन कौन से कंट्रीज हैं तो ये गोल्डन क्रिसेंट ट्राइंगल ये ऐसे एरियाज़ हैं है ना वर्ल्ड के ऐसे रीज़न है जहाँ पे इलिसिट प्रोडक्शन होता है इनका ओपीएम एंड ऑल तो गोल्डन क्रिसेंट में आपके तीन कंट्री हैं ईरान है अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसी तरह से गोल्डन ट्राइंगल में तीन है है ना म्यांमार है लाहौस है और थाईलैंड

आ, इंडिया क्या कर रहा है और एस के अलावा और हम क्या कर रहे हैं बिम्स्टेक है ना वहां पे रीजनल का ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि बिम्स्टेक में गोल्डन ट्राइंगल वाला इशू सॉर्ट आउट होता है और काफी अच्छा हमने किया है वो बिम्स्टेक के साथ का ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है सो so, ये आप ध्यान रखिए इनके नाम तो मैंने आपको बता ही दिए वॉट एल्स यू शुड नो हीरोइन का जिक्र है इसके अंदर आर्टिकल के अंदर तो ये भी ध्यान रखो दिस इज एन ऑपियर ड्रग मेड फ्रॉम द मॉर्फिन और ये एक तरह का आपका इसी से लिया जाता है जो पॉपी प्लांट्स है ना वहाँ से आपका लिया जाता है Heroin कैन be white, ब्राउन पाउडर और ब्लैक स्टिकी substance नॉन एज a ब्लैक tar. हीरोइन अदर नेम्स ऑफ द हीरोइन इंक्लूड ऑल दिस बिग H L. ठीक है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस ये ध्यान रखो हाँ हीरोइन इसका बाई प्रोडक्ट है स्पीड बॉलिंग एक प्रैक्टिस है ये किसको कहा जाता है हीरोइन uh, को अगर आप uh, uh, cocaine के साथ uh, इस तरह से मिक्स कर रहे हो तो इसको स्पीड बॉलिंग ये प्रैक्टिस आपका कहते हैं नेक्स्ट आते हैं ये इमेज जो आपको दिख रही है सन की इमेज है एंड आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये जो डार्क पेचर्स दिख रहे हैं ना ये आँख आइज की तरह दिख रहा है यहाँ पे और ये कुछ नोज है और ये uh, इस तरीके से स्माइलिंग समथिंग लाइक दिस ठीक है तो ये स्माइलिंग सन की इमेज है नासा ने इसको पुट uh, किया था ये नासा का ट्वीट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं तो ये जो डार्क पैचेस यहाँ पे दिख रहे हैं इनको क्या कहते हैं इनको कोरोनल आपका यू हैव दिस होल्स कोरोनल होल्स कहा जाता है अब कोरोनल होल्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजें ध्यान रखिए अगेन दिस इज काइंड ऑफ टॉपिक जो प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है पैचेस और नॉन एज कोरोनल होल्स ये केवल अल्ट्रावायलेट लाइट में दिखेंगे एक तो पहली चीज अल्ट्रावाट लाइट में दिखेंगे मतलब हम नॉर्मली अगर देखना चाह रहे हैं वैसे तो डायरेक्ट सन को गेज नहीं करना चाहिए देखना नहीं चाहिए कोई आपने इस स्पैक या ऐसा कुछ ग्लासेस लगाए तो बात अलग है अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं दिखेगा ये अल्ट्रा वायलेट लाइट में विजिबल है फिर है कोरोनल होल्स जो है ये रीजन है जहां पे सोलर विंड फास्ट सोलर विंड जो है ये आपकी निकल रही है स्पेस के अंदर है ना सो दीज आर द रीजन और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये जो रीजन है जहां पे डार्क पिक्चेस है यहाँ पे टेम्परेचर आपका कम है कम्पेरेटिवली क्लियर सो दे कंटेन लिटिल सोलर मटीरियल दे हैव लोअर टेम्परेचर एंड दस दे अपियर मच डार्कअ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं है ना जिनको आपको ध्यान रखना है याद करके रखना है प्रॉब्लम्स के लिए द मैग्नेटिक फील्ड इज ओपन टू इंटरप्लानटरी स्पेस सेंडिंग सोलर मटीरियल जो कि सोलर विंड के रूप में जा रहा है तो यहाँ से जो भी सोलर मटीरियल uh, बाहर जा रहा है सोलर विंड या बहुत तेज अथवा सोलर स्टॉम के रूप में जा रहा है वो क्या करता है कई बार uh, अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है अर्थ स्पेयर तो जहां तक मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव है अर्थ का है ना वहां पे आके इंटरेक्ट करता है और उसकी वजह से जियो मैग्नेटिक स्टॉम भी आपके बनते हैं है जियो मैग्नेटिक स्टॉम्स भी आपके बनते हैं और जियो मैग्नेटिक स्टॉम्स रिलेट टू द अर्थ मैगनेटोस्फियर है ना ये कैसे बनते हैं हाई स्पीड जो सोलर स्ट्रीम है ये क्या करती है अर्थ की तरफ जब आ रही है तो समाइम इट कैन अलाउ एनर्जेटिक सोलर विंड पार्टिकल्स टू हिट द एटमोस्फियर ओवर द पोल्स जिसकी वजह से ये जियो मैग्नेटिक स्टॉम्स बनते हैं और जियो मैग्नेटिक स्टॉम क्या करते हैं हमारा जो सेटेलाइट है कम्युनिकेशन सिस्टम है फाइन उनको बहुत ज्यादा डैमेज ये कर सकती है इट कैन कॉज चेंजेस इन द एटमोस्फियर दिस इम्पैक्ट पार्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ अपर एटमोसफियर रेडियो एंड जी पी एस सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू दिस लेयर ऑफ द एटमोस्फियर जिसकी वजह से कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकता है ये वाला जो पार्ट है दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कोरोनल होल्स की अगर हम और यहाँ पर बात करें तो दीज होल्स आर नॉट यूनिक फिनमिना अपियर हो रहे हैं सन के जो साइकिल ग्यारह साल का एक साइकिल होता है दे कैन लास्ट मच लॉन्गर ड्यूरिंग द सोलर मिनिमम मतलब जिस समय पर सोलर जो एक्टिविटी है, है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है सोलर मिनिमम तो उस सोलर मिनिमम में ये आपको ज़्यादा लंबे समय तक देखने को मिलेंगे इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्पेस एनवायरमेंट अब ये कोरोनल होल्स क्या कर रहे हैं हमारे को अर्थ के और आसपास के एन्वायरमेंट को समझने में भी हेल्प कर रहे हैं है ना थ्रू बिच आर टेक्नोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉट्स ट्रेवल क्यों बन रहे हैं उसके ऊपर अभी कोई कंसेंस नहीं है अनकलीर है है ना साइंटिस्ट अपने व्यू पॉइंट यहाँ पे दे रहे हैं कि किस वजह से बन सकते हैं जनरली दे कोरिलेट टू द एरियाज ऑन द सन वेयर मैग्नेटिक फील्ड सोरअप एंड अवे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ज़्यादा और बाहर की तरफ यूँ जा रहा है सो so, ठीक है ये चीज़ें ध्यान रखिए नेक्स्ट हम आएंगे एन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज पे तो एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज पे कोप ट्वेंटी सेवन स्टार्ट होगा ये एक ऐसा टॉपिक है जो जब तक न्यूज़ आती रहेंगी चलता रहेगा तो हम इस पर डेली कमेंट्री तो नहीं करेंगे एक थोड़ा सा बेसिक तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ ताकि चीज़ें जब स्टार्ट होंगी को कोई भी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होंगे वो हम यहाँ पर लेते रहेंगे काफी सारी टर्मिनोलॉजीज यहां पे आएंगी उनको हम समझेंगे और ये एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना एनवायरमेंट में अगर आप देखोगे टॉप टेन करंट अफेयर है तो उसमें ये आपकी रहती है हर साल होती है कॉप ट्वेंटी सेवन कॉप है क्या ये ये वो कॉप नहीं है पुलिस वाला कॉप यू हैव अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एक तरह की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसकी है यू ट्रिपल सी की ट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज ठीक है तो ये यू एन एफ ट्रिपलसी एक तरह की इंटरनेशनल ट्रिटी है जो क्या कर रही है जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन वगैरह जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं अर्थ से निकलने वाली फिर अर्थ की तरफ ही भेज रही है तो इस तरह की ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को ये कम करने की बात करते हैं एमिशन को कम करने की बात कर रहा है तो इसी का एक तरह का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसकी जो भी मेंबर पार्टीज़ हैं जितने भी कंट्रीज हैं वो यहाँ पे तो वो जनरली हर साल मिलते हैं है ना एक साथ हाँ एक एक्सेप्शन है 2020 में ये लोग ये नहीं हुए थे पोस्टपोन हो गई थी तो जो कॉप आपकी यू हैव ट्वेंटी सिक्स ये तो ग्लासगो में हुई दो में हुई लेकिन जो कॉप ट्वेंटी होगी वो आप ध्यान रखना दो में हुई है 2020 में आपका पोस्टपोन कर दिया गया था कोरोना की वजह से तो ठीक है ये ध्यान रखिए 25 वाली चिली में है 26 वाली ग्लासगो स्कॉटलैंड इज देयर 27 आपका इजिप्ट में हो रहा है ठीक है ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे और अगर आप चाहते हैं इजिप्ट का वो प्लेस भी हम ध्यान रखें तो उसको भी जगह को भी थोड़ा सा देख लेना अब और क्या हमें ध्यान रखना है देखो ये स्टार्ट हो रही है तो इसमें जो भी हमने लास्ट वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी मतलब पिछले साल हमने क्या कमिटमेंट किए थे या पूरे ग्लोबल लेवल पे जो इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट थे क्या थे उनका हम उनका हम जिक्र करते हैं कि आपका वीडियो आ, बफर कर रहा है क्या वीडियो आपका बफर कर रहा है या टवर्क इश्यू तो नहीं है ना सो देखो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है यू एन एफ ट्रिपल सी ए हमारे क्लाइमेट एक्शन uh, के प्लान्स है प्रोग्राम है उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यह है कि हम अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोक लें मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसके कंपैरिजन में हम कर रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपैरिजन कहाँ से हो रहा है ये कंपैरिजन हो रहा है प्री इंडस्ट्रियल जो एरा था उसके एवरेज से प्री इंडस्ट्रियल एरा को ऐसा समझिए एटीन ये वाला पीरियड एटीन फिफ्टी से नाइनटीन उस समय पर अर्थ का जो टेम्परेचर था मतलब आज सौ से डेढ़ सौ साल पुरानी बात है ज्यादा पीछे नहीं जा रहे उस समय अर्थ का जो टेम्परेचर था उसके कंपेरिजन में एवरेज टेम्परेचर आज कितना बढ़ गया है तो हम चाहते हैं कि वन डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़े इससे ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा एवरेज टेम्परेचर तो इतना नुकसान होगा ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग द निगेटिव इंपैक्ट है इन टर्म्स ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वेदर वी टॉक कि हाँ रेनफॉल हो रहा है तो या तो इतना हो रहा है या हो ही नहीं रहा है क्लियर क्लाउड बस्ट के इंस्टांसेस हैं या फिर हम साइक्लोन से जोड़ें तो ज्यादा अच्छा होगा ठीक है साइक्लोन की इंटेंसिटी उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई है ड्रॉट्स हैं तो इतने नेगेटिव इंपैक्ट इसके होना स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी अब uh, ये अगर जैसे वन पॉइंट वन तक तो आ चुका है एक डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो निकल चुका है अब जिस तरीके से हमारा चल रहा है ना जो भी हम प्रयास कर रहे हैं इस चीज पे इस समस्या पे जो भी समाधान कर रहे हैं उसके हिसाब से एक्सपर्ट्स ऐसा कर रहे हैं कि आप ये 1.5 वाला टारगेट तो भूल जाओ। अगर आप 2 डिग्री सेल्सियस पे भी रुक जाते हो तो बहुत बड़ी बात होगी 2 डिग्री सेल्सियस अचीवमेंट तो हो जाएगा लेकिन यहां द प्री इंडस्ट्रियल एरिया मतलब हम इस तरीके से इस गति से हम काम कर रहे हैं इस तरीके से काम कर रहे हैं कि वन पॉइंट फाइव टू 1.5 तो भूल जाओ ये 2 को भी ओवर शूट कर देगा तो इसका मतलब हमें इस चीज को और बहुत डेडिकेशन से एक ग्लोबल कॉपरेशन के साथ एक कमिटमेंट के साथ इसको करने की जरूरत है जो चीज अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रही है ठीक है क्यों नहीं हो पा रही है उस पर भी हम आएंगे क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कोई एक देश नहीं कर सकता है ना ग्लोबल कॉपरेशन की जरूरत है उस कोऑर्डिनेशन की जरूरत है उस ट्रस्ट बिल्डिंग की जरूरत है उस कमिटमेंट की जरूरत है तो कहीं ना कहीं डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो अपने उस बात से पीछे हटते हुए दिख रहे हैं और उससे भी अनफॉर्चुनेट ये है कि डेवलप्ड कंट्री जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं हिस्टोरिक एमिशन के लिए क्योंकि तो इतने सालों से जो एमिशन किया है वो पूरा एटमोसफियर में इकट्ठा है और वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है ठीक है तो जहाँ पर इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्नोलेज करने के बजाय डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन पर ब्लेम डाला जा रहा है ये और ज़्यादा मतलब इथिकली मॉरल परस्पेक्टिव से देखोगे है ना और वैसे भी अनफॉर्चुनेट है कि इतनी बड़ी समस्या है उसको डील करने की बजाय आप इस तरह से कर रहे हैं चीज तो एक तो ये हो गया सबसे बड़ा कंसर्न इस कॉन्टेक्स में ये अब आपका होगा कॉप ट्वेंटी सेवन तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है लास्ट जो आपका कॉप ट्वेंटी सिक्स था उसमें ग्लोबल लेवल पे हम बात करें इंडिया का तो हमने बहुत डिस्कशन कर लिया है ना पंचामृत वगैरह कई बार हमने डिस्कशन किया था और ऑलरेडी उस पर क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं यूपीएससी के द्वारा क्लाइमेट फाइनेंस पे भी हम आएंगे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा एंड वेरी गुड क्वेश्चन हाउ टू एसिलेट क्लाइमेट फाइनेंस कैंपेन क्लाइमेट फाइनेंस जो कैंपेन है उसके अंदर आ, कुछ ऐसा एक मैकेनिज्म हमें सेट करना होगा है ना जहां पे कुछ कंपल्शन हो समथिंग लाइक दिस है ना अदरवाइज क्या होता है कि कोई कंपल्शन नहीं है किसी भी तरह का वो मैकेनिज्म नहीं है जो उसको इनफोर्स कर सके है ना आपने कमिटमेंट कर दिया जैसे डेवलप्ड कंट्रीज ने 2009 में कहा कि हम आपको 100 बिलियन इस तरीके से ये देंगे है ना 2020 से और ये तो अभी वो 100 बिलियन हर साल वो नहीं मिल रहा है आपको ठीक है तो कहने की बात अलग है और उस चीज को एनफोर्स करने के लिए एक मैकेनिज्म हमें लानी होगी चलिए तो दो जो लास्ट वाला कॉप था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वहां पे क्या क्या चीजें डिसाइड हुई उसको हम देख लेते हैं इन दॉप ट्वेंटी सिक्स मोर देन हंड्रेड कंट्रीज देखो एक तो इसमें था डिफॉरेस्टेशन फर्स्ट अब इसको पूरा नहीं लिखना है पहला डिफॉरेस्टेशन फिर हो गया मेथेन एमिशन को कम करने की बात थी तो डिफॉरेस्टेशन में यह था कि हम क्या करेंगे कि एंड द डिफॉरेस्टेशन बाई ट्वेंटी थर्टी हम इसको एंड कर देंगे डिफॉरेस्टेशन को दो हजार तीस तक कौन कौन से कंट्रीज ने इस प्लेज को uh, लिया था तो आप देखोगे ऐसे कंट्रीज हैं जैसे इंडोनेशिया uh, है ब्राज़ील है है ना इंडीड कॉन्गो इज देयर तो ये सारे कंट्रीज हैं जिनके पास में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं उसके 80 परसेंट ये रखते हैं तो इन्होंने प्लेज तो ले ली लेकिन हो क्या रहा है आप देखोगे कोई कंट्री है जिसने प्लेज लिया है डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए वो अपने फॉरेस्ट को ओपन कर रहा है ना इस तरह से ये आ, कट करो ये जो भी चीज़ें हैं तो वो उल्टा हमें देखने को मिल रहा है ठीक है आपने प्लेज लिया बट वट अबाउट द एक्शन पार्ट होता है ना हम आज करते हैं कि हम आज पढ़ेंगे आठ घंटा पढ़ेंगे दस घंटा पढ़ेंगे ठीक है वो हो गया आठ घंटा पढ़ेंगे बट अगले दिन क्या आठ घंटा आपने पढ़ा नहीं पढ़ा वो सारी चीज तो मिथेन एमिशन मीथेन जो कि वन ऑफ द वेरी पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है उसके एमिशन को कम करने की बात कर रहे हैं थर्टी परसेंट फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी लेवल दो हजार बीस के लेवल से तीस प्रतिशत तक हम डिक्रीज करेंगे बाई ट्वेंटी थर्टी और क्या बात हो रही है क्लाइमेट फाइनेंस पे देखो ये कह रहे हैं रिच कंट्रीज फेलियर टू डिलीवर द प्रोमिस्ड फाइनेंस टू पुअर नेशन 2009 में आपने ये आ, आ, वो किया था कि हम आपको 100 बिलियन देंगे ठीक है ना और अभी तक वो नहीं मिल रहा है शॉर्टफॉल इसके अंदर चल रही है अब ये कह रहे हैं दो के बाद में हम हंड्रेड बिलियन तक दे पाएंगे क्लियर इसको याद रखना ये प्रॉब्लम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो जिसका एक्निम है जी एफ ए एन जेड दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव इसको ध्यान रखिए तो इसमें है क्या ग्लासगो तो जहां पे ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई कोप 26 हुआ वहां पे एक आपने क्या किया फाइनेंशियल अलायंस बनाया फॉर नेट जीरो नेट जीरो का मतलब होता है आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन जितना कर रहे हो जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन आपने किया है उतना ही आप एबजॉर्ब कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्यूट जीरो की हम बात कर रहे हैं कोई एमिशन हुआ ही नहीं है हम मान लेते हैं हमने 100 एम जो है एमिशन किए हैं सी के तो इतना ही एमिशन हमें एब्जॉर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेराइटी ऑफ है ना अल्टरनेटिव जैसे कि मान लीजिए कार्बन कैप्चर है सिक्वेस्ट्रेशन है या फिर हमने फॉरेस्ट लगाए पेड़ लगाए इस तरीके से तो ये नेट जीरो की बात कर रहे हैं और ये जो अलायंस है ये जो आपका लॉन्च किया गया लास्ट ईयर एक तो ये ध्यान रखना ये कॉप ट्वेंटी सिक्स में लॉन्च हुआ है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स हैं उनको ये इस तरह के टूल्स असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा कि आप क्या करो ऐसे प्रोजेक्ट को सेटअप करो फाइनेंस करो जो क्या कर रहे हैं नेट जीरो अचीव करने में हेल्प करेंगे तो बेसिकली जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े इस तरीके से उनको ये टूल्स दे रहा है कि आप नेट जीरो की तरफ है ना आप बढ़ा आगे कैसे बढ़ सकते हैं कैसे जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कम किया जा सकता है वो सारी चीजें तो एक तरह से फाइनेंशियल जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको ये असिस्टेंस यहाँ पे देता है और क्या है ग्लासगो पैक्ट हुआ जिसने बात की कि हाँ फॉसिल फूल जो होता है जैसे कोयला है पेट्रोल डीजल है फॉसिल फ्यूल जो है इसके यूज को हम कम करेंगे और इस पैक्ट के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई इन अफर्ट्स टू रिजॉल्व द रूल्स गाइडिंग द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कार्बन मार्केट टू ऑफ सेट द एमिशन इसमें क्या है अगर कोई कंट्री एमिशन कर रहा है और जिस जितना उसको एमिशन करना है उससे ज़्यादा वो एमिशन करता है तो वहां पर क्या करेगा वो अपने लिए कार्बन क्रेडिट परचेज कर सकता है दिस इज अइंड ऑफ पीनालाइजिंग थिंग यहाँ पर एक पेनल्टी दी जा रही है कि अगर आपके एमिशन ज़्यादा है तो आप वो उसको ऑफ सेट करिए या तो कहीं पर दूसरी जगह पर रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगा दो क्लियर और ज़्यादा आपके एम्बिशियस क्लाइमेट प्लान्स यहाँ पे रहेंगे ठीक है Uh, यहाँ पे लास्ट uh, टाइम ये भी डिसाइड किया गया कि हम कैसे पब्लिक फाइनेंस को रोकेंगे तो इसमें यूएसए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जिन्होंने कहा कि हम पब्लिक फाइनेंस मतलब सरकार की तरफ से ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं करेंगे जो क्या कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ ट्वेंटी केवल लिमिटेड सरकम में ही होगा तो सरकार यहाँ पे क्या कह रही है काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जैसे यू एस है कैनेडा है ब्रिटेन है तो उनकी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट सर हमारी सरकार ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं करेगी जहां पे फॉसिल फ्यूल्स का यूज है एक्सेप्शन अलग रहेंगे अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ोगे अगले दस दिन तक है ना पंद्रह दिन तक चर्चा रहेगी एक तो सबसे पॉपुलर ये है सी बी डी आर इस पर क्वेश्चन भी हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये जो है क्लाइमेट जस्टिस की भी बात करता है क्या है ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इसका क्या मतलब है इसका मतलब है ये जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ वहां पे इसको डिसाइड किया गया और इसके अंदर यही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं है ना जिन्होंने ज्यादा एमिशन किया क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले यूरोप में हुआ फिर इंडस्ट्रलाइज कंट्रीज मिले बने और इस दौरान इन्होंने इतना सारा एमिशन किया जो पूरा एटमोस्फेयर में इकट्ठा है है ना जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं तो ये कह रहे हैं कि आपने ये जो पास्ट में इतने सारे एमिशन किए हैं क्लियर तो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो क्लाइमेट चेंज है उसके अंदर आगे होके यहाँ पे एक्स्ट्रा फंड दें इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट हैपनिंग और अगर हो भी रहा है तो जिस पेस रेपिड पेस के साथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है फाइन और इसी में लॉस एंड डैमेज की बात होती है इसकी चर्चा अभी पाकिस्तान की तरफ से जब क्लेम किया गया था आपको पता होगा अभी रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत ही डिवास्टेटिंग फ्लड्स आई थी वहाँ पे पाकिस्तान ने कह दिया था कि हमें जो कंपनसेशन देना चाहिए है ना डेवलप्ड कंट्री की तरह हमें की तरफ से हमें कंपनसेशन दो तो वहाँ पर पाकिस्तान पूरी तरह से गलत नहीं था हालाँकि कुछ लोगों ने कमेंट किया कि पाकिस्तान हमेशा कटोरा लेके तैयार रहता है बट वहाँ पर वो जो एक इस तरह का क्लेम था वो उसमें कुछ सच्चाई थी तो क्या वो कॉम्पनसेशन की मांग क्यों कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉस एंड डैमेज ये जो है तो इसके अंतर्गत क्या है रिच जो कंट्रीज हैं है ना उन्होंने कहा कि हम फंडिंग तो आपको देंगे लेकिन ये जो लॉस एंड डैमेज वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या है जो डेवलपिंग नेशन है या जो पुअर नेशन है वो डिमांड कर रहे हैं क्या डिमांड कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लॉस हो रहा है मान लीजिए कहीं पे फ्लड आ गई कहीं पे ड्रॉट हो गई है कहीं पे वाटर क्राइसिस है जो भी इम्पैक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से जो छोटे छोटे देश हैं जो गरीब देश हैं उनमें जो नुकसान हो रहा है क्योंकि वही हैं सबसे ज़्यादा मतलब अगर आप देखोगे आइलैंड नेशंस हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि उसको डील कर सके हैं ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके लिए अडाप्टेसन के लिए कुछ कर सकें मिटिगेशन के लिए कुछ कर सकें तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे ये जो क्लाइमेट चेंज से ये जो डैमेज हो रहा है इसके कंपनसेशन को कैलकुलेट किया जाए और हमें वो पैसा दिया जाए किन कंट्रीज के द्वारा डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा तो ये उस समय भी चर्चा में था और वापस इसी पे बात होगी क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे इस हेडलाइन को इंडिया टू स्ट्रेस एक्शन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस क्लाइमेट फाइनेंस पे यहाँ पे चर्चा हो रही है तो ये मेजर एक हाईलाइटेड पार्ट रहेगा कितनी इस पे एग्रीमेंट बन पाता है वो देखने वाली बात नेक्स्ट है मोनालोआ वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वर्ल्ड तो कहाँ पे सिचुएटेड है ये ध्यान रखो मोना लोआ जो है ये हवाई के अंदर है पैसिफिक ओशन वहां पे सिचुएटेड है एंड दिस कोड इप्ट फाइन ये इरप्ट आपका कर सकता है तो एक तो मैप बेस्ड लोकेशन है बाकी वॉलकैनो तो देखो आप एन सी आर टी से पढ़ लेना यू हैव इलेवंथ क्लास की एन सी आर टी अर्थक्वेक और वालकैनिज़म दोनों आपको पढ़ने हैं ठीक है तो वो डिटेलिंग हम नहीं कर रहे वो स्ट्रेटिक पार्ट वाली डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं बाकी उसको आज अगर आपका पढ़ा हुआ है तो एक बार रिवाइज करो यहाँ पर क्या है एक तो इसकी लोकेशन ध्यान रखो और ये आपको इस तरीके से दिखेगा है ना मॉनल होगा एंड ये आपका क्या है एक्टिव वॉलैनो है तो जनरली क्या होता है तीन तरीके के आपके वॉलो वालकेन, एक्टिव वॉल्नो क्या है हमेशा एक्टिव रहेंगे कुछ ना कुछ वहां से आपको जो है वाटर वेपर है स्मोक है धुआं इस तरीके से निकलता रहेगा सेकंड आपका है डॉर्मेंट जो क्या है या फिर कई जगह पे चार कर देते हैं डॉर्मेंट की जगह एक और इंटरमीडिएट करके भी क्लासिफाई करते हैं बट तीन ध्यान रखो एक्टिव हमेशा एक्टिव रहेगा डॉर्मेंट क्या है मान लो आज से पचास साल पहले वहाँ पर इरप्शन हुआ क्लियर फिर क्या होगा वो शांत हो गया अब कुछ वहाँ पर एक्टिविटी नहीं है लेकिन फिर क्या होगा एकदम से इरप्ट हो जाएगा तो सबसे ज्यादा डेंजरस दे, जो होते हैं डॉर्मेंट होते हैं और इटली के अंदर काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल हमें मिलते हैं मेडिटेनियन रॉल और थर्ड है एक्सटिंग एक्सटिंक्ट क्या है पूरी तरह से इनएक्टिव हो गया है वहां पे कोई किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं है वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं है डोरमेंट सबसे ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि पता नहीं है कब इरप्ट कर जाएगा एकदम से इरप्ट कर जाएगा नहीं कर जाएगा आ, ये है दिल्ली पॉल्यूशन की चर्चा कर लेते हैं पेट्रोल और डीजल इंजन वाली वो बात हो रही है वो भी देखते हैं देखो ये बड़ा सा आर्टिकल है लेकिन इसके अंदर एक चीज़ के लिए हमने इसको कवर किया है ओनली फॉर वन थिंग क्योंकि जो थोड़ा सा अलग मुझे लगा देखो पॉल्यूशन की बात हो रही है लेकिन ये कह रहे हैं कि हमेशा ब्लेम गेम चल रहा है पॉल्यूशन के ऊपर ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है स्टेट की जिम्मेदारी है दिल्ली संभाले दिल्ली कह रहा है आसपास की पड़ोस की जो सरकारें हैं नेबरिंग स्टेट्स की वो कॉपरेट नहीं कर रही हैं ठीक है लोग जो है गवर्नमेंट पर डाल रहे हैं गवर्नमेंट इस तरीके से तो ये पूरा ये चल रहा है और यहाँ पर कोई एक सोल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है तो ये कह रहे क्या सोल्यूशन यहाँ पे हो सकता है ठीक है क्या सोल्यूशन हो सकता है पहली बात तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यहाँ पे चाहिएगा ऐसा नहीं आज डिसाइड किया तो दस दिन में हो गया एक महीने में हो गया एक साल में हो गया ओके द थिंग्स विल टेक टाइम और फिर यहाँ पे जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है उसका रीज़न भी समझना होगा देखो इसमें जोग्राफी का भी रोल है क्योंकि दिल्ली जो सिचुएटेड है है ना वो तो पूरा लैंड एरिया है वहाँ पे आसपास कोई सी बॉडी या ऐसा वाटर बॉडी नहीं है मेजर क्लियर रिवर वगैरह छोड़ दीजिए हम सी की बात कर रहे हैं तो वो अगर होता तो फिर विंड्स क्या है वो थोड़ी एक्टिव रहती हैं सी विंड है या सी ब्रिज लैंड ब्रिज है लेकिन वो केस यहाँ पे नहीं है और विंटर के अंदर जब स्टैटिक पोजीशन बन जाती है तो पॉल्यूटेंट सेटल रहते हैं है ना एटमोसफियर में जमे रहते हैं और उसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो सिटी की लोकेशन हो गई इसको हम कॉन्टिनेंटलिटी भी कहते हैं ये भी एक फैक्टर है विंड स्पीड्स हैं कम हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पे एक और स्टडी आई एक रिपोर्ट भी आई थी इस आर्टिकल के अलावा अगर हम देखें तो उसके अंदर ये बताया जा रहा है अक्टूबर 21 से 26 अक्टूबर के बीच में दिवाली वाला टाइम था ठीक है तो ये रिपोर्ट क्या कह रही है uh, कि जो व्हीकुलर एमिशन है दे हैव कंट्रीब्यूटेड मोर देन 50 परसेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैटर लेवल पीएम पार्टिकल क्या होते हैं पार्टिकुलेट मैटर होता है 2.5 माइक्रोमीटर है मतलब बहुत ही माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल हैं जो क्या है एयर के अंदर सस्पेंडेड हैं हमारी ब्रीथ के साथ अंदर जाएंगे लंग्स को और दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन व्हीकुलर एमिशनस का है ठीक है तो उस चीज को आप कैसे डील कर सकते हो सॉल्यूशन पार्ट में उसके ऊपर ज्यादा एम्फसिस लाओगे ठीक है <laughs> खैर तो ये हैं अब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली ने ही ये प्रॉब्लम फेस की है पहले लंदन है या जो दूसरी बड़ी सिटीज़ हैं लॉस एंजल्स वगैरह वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम सामने आई है और इसको डील किया गया विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अब ये जो पूरा आर्टिकल है उसमें जो लिखने वाली चीज़ है वो क्या है द कॉम्बिनेशन कैसे डील कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो क्या सिखाते हैं कि इस प्रॉब्लम को डील किया गया विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन दैट गेव ऑटोनॉमी टू रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन एंड सिटीजन एक्टिविज्म दैट कैप्ट गवर्नमेंट ऑन इट्स टो यहाँ पे इस तरह के कानून बनाए गए जिसने क्या है जो रेगुलेटरी एजेंसीज है उनको वो ऑटोनॉमी दी कि आप अपने हिसाब से उस तरह से पावर आपको है आप एक्शन लीजिए लोगों को यहाँ पे स्कोप दिया एक्टिविज्म का ताकि लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया कि इस पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को कैसे हटाया जाए क्लियर ये है इसीलिए हमने इसको लिया है बट अनफॉर्चुनेटली क्या है अगर आप देखोगे पॉल्यूशन कभी भी इलेक्शन और इसका इशू नहीं बनता है है ना ये मुद्दा इलेक्शन का नहीं बनता है जब पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आती है तब तो हम कहते हैं हाँ पॉल्यूशन हो गया हो गया उसके बाद में फिर सब गायब हो जाता है सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ इशू ठीक है जहाँ पे सिटीजनस जो हैं इसको एक्टिवली अगर लें उस पर मोबिलाइजेशन करें सभी लोग साथ आएँ उस पर प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहे हैं साथ में कुछ कलेक्टिव एक्शन हो रहा है कि क्या किया जा सकता है देन ओनली वी कैन गेट सम लॉन्ग टर्म रिजल्ट अदरवाइज तो ब्लेम गेम चल रहा है ना कि पूसा कैप्सूल बना दिया वो स्टेट उसको यूज़ नहीं कर रहा है उस स्टेट ने ऐसा कर दिया तो वो चीज़ें रहेगी नहीं लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में यही है कि जो पीपल्स uh, पार्टिसिपेशन है ना इसको एक मूवमेंट के रूप में लिया जाए और uh, जैसे आप देखोगे स्वच्छ भारत को जन आंदोलन के रूप में लिया गया पीपल्स मूवमेंट के रूप में लिया गया है ना सैनिटेशन और इसमें कितना सुधार आया है तो उस तरह से पॉल्यूशन के अंदर भी हमें लेना होगा अदरवाइज हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पेक्ट है ठीक है हमारी जो एवरेज uh, लाइफ है वो दस साल तो ऐसे ही कम हो जाती है क्वालिटी ऑफ लाइफ वो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है सो so, रेगुलेशन इस तरह के बनाए जाएं जो क्या होंगे एंड होल्डिंग और परसुएडिंग द इंडस्ट्री उस तरीके से हों uh, जैसे स्मॉल फैक्ट्रीज हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली मीजर्स अपना सकते हैं क्योंकि जनरली uh, क्या होता है ऑप्शन नहीं दिया जाता कि अब हमने कानून बना दिया अब आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है या जो भी है तो एक ऑप्शन वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए कि आप एनर्जी यूज कर रहे हो तो रिन्यूएबल का कंपोनेंट इस तरह से डाल सकते हो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन वर्क ऑन इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है ये तो आर्टिकल की चर्चा हुई इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है जिसमें ये डायमेंशन दी गई हैं जिसमें आप देखोगे मेजर सोर्स जो है विकुलर एमिशन की तरफ से आ रहे हैं और दिल्ली में हम बात करें लोकल सोर्स लोकल सोर्स मतलब विद इन दिल्ली विद इन जो दिल्ली एनसीआर रीजन है वो कितना कंट्रीब्यूट आपका कर रहा है तो दिल्ली के जो लोकल सोसेज हैं दे कॉज अराउंड वन थर्ड ऑफ द पॉल्यूशन मतलब सिटी का जो वन थर्ड पॉल्यूशन है वो दिल्ली की वजह से बाकी टू थर्ड के अंदर दूसरे स्टेट्स हैं एन रीजन है एन के जो डिस्ट्रिक्ट हैं या दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जब दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो नेबरिंग रीजन है दूसरे स्टेट्स हैं उनको ब्लेम किया जाता है या उनके कॉपरेशन की कमी को बताया जाता है तो वो चीज़ गलत नहीं है क्योंकि ये डेटा से सामने आ रहा है ठीक है क्या कर सकते हैं शिफ्ट टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और एफिशिएंट बनाओ ऑलरेडी हम देख रहे हैं मेट्रो का नेटवर्क अच्छा है ठीक है तो जो बस वगैरह हैं आपकी बस सर्विस उसको इंप्रूव कर सकते हो वॉकिंग साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है ठीक है ये सारे प्रयास किए जाए कंजेशन एंड पॉल्यूशन प्राइजिंग इसके लिए भी जा सकते हो आप कि पॉल्यूशन प्राइसिंग या कंजेशन के लिए आपको दिया जाए ताकि जो तो ट्रैफिक वैल्यूम है वो थोड़ा कम हो लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ऑप्ट करें इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द न्यू व्हीकल इस पे काम ही रहा है ई व्हीकल को प्रमोट किया ही जा रहा है ठीक है अब बात हो रही है डीजल पे ये एक और थर्ड न्यूज है मतलब ये जो दिल्ली पॉल्यूशन वाला टॉपिक है इस पे कम से कम छः सात आप देखोगे न्यूज पॉइंट्स थे तो जो इम्पोर्टेंट हमें लगा वो हमने लिया है स्पेसिफिकली एक बार दिल्ली को टारगेट करके यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है मेंस के अंदर तो अब इसमें हो क्या रहा है देखो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो डीजल के व्हीकल हैं कौन से व्हीकल हैं जहाँ पे जो इंजन बी एस सिक्स से कम वाला है ठीक है वो डीजल के व्हीकल को हम बैन यहाँ पे कर सकते हैं या इन्होंने किया है एज मीन तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे चर्चा हो रही है जबकि पेट्रोल वालों को नहीं कर रहे हैं है, है ना तो पेट्रोल वाले इंजन को कंपेरेटिवली कम पॉल्यूशन करने वाला ये मान रहे हैं उसका रीज़न क्या है डीजल एज ए फ्यूल कंटेन लिटिल मोर कार्बन पर लीटर है ना डीजल जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा ज्यादा छोड़ रहा है लेकिन आप देखोगे तो इसकी जो एफिशिएंसी है है ना uh, या फिर जो लीन बर्न है जिसके अंदर क्या है उतने ही फ्यूल में ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है जैसे हम कहते हैं ना डीजल की गाड़ी ज्यादा एवरेज दे रही है उस कॉन्टेक्स में तो फिर तो ये ग्रीन फ्यूल होना चाहिए क्यों क्योंकि ये जो फ्यूल है ये सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कर रहा है है ना कम फ्यूल के अंदर मतलब कम फ्यूल में ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है जिसे हम कहते हैं कि हाँ एक लीटर में डीजल की गाड़ी इतना एवरेज देगी पेट्रोल की गाड़ी कम देगी उस तरीके से तो फिर तो डीजल अच्छा हुआ क्लियर और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रॉब्लम्स क्योंकि प्रॉब्लम्स में जनरली एनवायरमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए अब इसमें फिर डीजल को अच्छा क्यों नहीं मान रहे हैं यहाँ से तो डीजल अच्छा होना चाहिए डीजल अच्छा इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि डीजल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा दूसरी जो गैसेज हैं या फिर जिसे हम कहते हैं जो ब्लैक कलर का आपका वो होता है ना सूट जिसे वो कहा जाता है यू हैव दैट ब्लैकिश वो पूरा इस तरह से होता है वो हो गया या जो दूसरे नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा ये निकाल रहे हैं ना तो वो मेजर इशू है तो ये जो ऑटोमोबिल इंजन है इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना चाहे हम नाइट्रोजन डाई की बात करें जो कि टॉक्सिक है नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है तो इस तरह के ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ये आपका ज़्यादा कम्पेरेटिवली एमिशन करता है डीजल का इंजन हालांकि अब इसमें वो लगा रहे हैं फिल्टर वगैरह है, बट स्टिल फिर सेकंड रीजन क्या है पेट्रोल इंजन के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर का है थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करेंगे जो हार्मफुल गैसेज हैं उनको लेस हार्मफुल में है ना उस एमिशन को वो कम करते हैं तो इसलिए पे, पेट्रोल इंजन को अच्छा मान रहे हैं और इसकी वजह से आप देखोगे एमिशन थर्टी परसेंट तक कम होता है पेट्रोल इंजन से ठीक है डीजल इंजन आल्सो एमिट फाइन पर्टिकुलर मैटर और सूट जो है उसकी चर्चा हमने की है इसलिए ये अच्छा नहीं माना जाता है ना और इसीलिए आप देखोगे डीजल इंजन पे ये ज़्यादा थोड़े रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाए जा रहे हैं ठीक है ये चीजें ध्यान रखिए दिस इज ऑल फॉर टुडे आज के लिए आपका इतना ही सेशन का जो पी है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा सो दिस इज ऑल एंड अन अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आ, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है जब उस पर क्लिक करेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए एंड पुट द कोड आर बी लाइव टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनल गाइडेंस सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक जहाँ पे लाइव इंटरशिप के अलावा और कुछ एडेड बेनिफिट हैं कॉम्बो के लिए भी जा सकते हो जिसमें जीएस के अलावा ऑप्शनल भी आपका ऐड हो जाता है केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हो तो केवल ऑप्शनल के प्लान है नए बैचेस आपके 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं यू कैन गो फॉर दिस बैच कोर्सेज जीरो परसेंट ई ऑप्शन भी आपको मिलता है केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो वो ऑप्शन भी है अदरवाइज अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो उसमें टेस्ट सीरीज है नोट्स का एक्सेस है वो सब उसी में इंक्लूड है उसके लिए अलग से आपको फीस नहीं देनी है कॉम्पीट गेमीफाइड बैटल आप खेल सकते हो अन अकेडमी पे अन अकेडमी चैम्पियनशिप तेरह नवम्बर को आ रही है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए भी आप जा सकते हैं दिस so, इज ऑल All the very best. Good night. Take care. And don't forget to like, share, subscribe.